नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन के दौरान लॉकडाउन की सीमा 3 मई तक बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि सभी के सुझावों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि 20 अप्रैल तक किसी जगह पर नए मामले नहीं आते हैं तो वहाँ कुछ छूट दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद नए मामला आने पर छूट वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के तुरंत बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ने इसका समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट कर लोगों को संदेश दिया कि लॉकडाउन का पालन सख्ती से करें। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य में बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना हो सकती है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के परिवारों को मिलेंगे 2,000 रुपये। खबरों के अनुसार राज्य के सभी विधायक अपने क्षेत्रों में 25 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वैसे मजदूर जो काम करने बाहर गए हैं और लॉकडाउन में घर वापस नहीं आ सके हैं, उनकी आर्थिक मदद के लिए उनके परिवार वालों को 2,000 रुपये मिलेंगे। यह राशि DDC के अनुसार खाता में दिया जाएगा। झारखंड में संक्रमण के 3 नए मामले आने के बाद अब कुल संक्रमित की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। नए मामला हिंदपीढ़ी की 2 और 1 सिमडेगा मरीज के हैं। इसकी पुष्टि रिम्स निदेशक डॉक्टर DK सिंह ने किया। सभी संक्रमित तबलीगी जमात से संबंधित हैं। लॉकडाउन के दौरान बिना राशन कार्ड के भी 10 kg अनाज देंगे सरकार। राज्य के गरीब परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 10 kg अनाज देने की योजना सरकार बनाई है। ऐसे परिवार को 1 रुपये प्रति kg अनाज दिया जाएगा। रेलवे ने 3 मई तक ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। खबरों के अनुसार लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ने के बाद रेलवे ने बड़ा ऐलान किया। रेल मंत्रालय के अनुसार 3 मई तक ट्रेन सेवाएँ निलंबित रहेगी। लॉकडाउन बढ़ने के बाद मजदूरों ने मुख्यमंत्री से मदद की लगाई गुहार। खबरों के अनुसार 3 मई तक अवधि बढ़ने से झारखंड के मजदूरों ने घर वापसी को लेकर हेमंत सोरेन से गुहार लगाई है। मजदूर घर लौटना चाहते हैं। लाखों मजदूर ऐसे हैं जिन तक कोई लाभ नहीं पहुंच सका है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों ने बड़ी संख्या में सड़क पर आ गए और घर वापसी की मांग किया। लोहरदगा जिला में तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों को खिलाफ 6 माह का जेल का आदेश DC रंजन ने सुनाया। उन्होंने कहा कि यहां वहां थूकने वालों पर 200 रुपये या 6 माह का जेल या दोनों का प्रावधान बनाया गया है। ऐसा कदम इस महामारी से निपटने के लिए ही उठाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में एक ही दिन में 45 लोगों को किया गया गिरफ्तार। खबरों के अनुसार पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता ने कहा कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। 200 शिक्षकों को 10 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के अनुसार राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में वर्ष 2019 के जुलाई माह में हाई कोर्ट के आदेश पर सैकड़ों शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से 50% को वेतन नहीं मिला है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर अवश्य करें। साथ ही आप हमें कमेंट में अपना राय भी दे सकते हैं। थैंक यू।